पहले बनेंगे और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेंगे भारत की एकमात्र इंडिजिनस वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन। तो बॉलीवुड के तो पूरा जल के खाक होगा होगा, कितना भी पठान का आप फेक प्रमोशन फेक कलेक्शन दिखा लो, कितना भी आप जवान को बूढ़े को जवान दिखा लो, कोई भी करवा लो, केमियो करवा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन जनता जब गदर 2 और द कश्मीर फाइल द केरला स्टोरी द वैक्सीन वॉर को सपोर्ट करती है ना, तो आपके जितने फर्जी नंबर्स होते हैं वो जो है सच्चे के सच्चे सामने आ जाते हैं। कितना भी फेक कैंपेन करा लो यार, पेड प्रमोशन करा लो, और जो फेक क्रिटिक्स हैं इलीट मीडिया कहाँ गए, जल गए, धुआंधार हो गए, कहाँ गए भाई, दिख भी नहीं रहे हो, कोई वैक्सीन वॉर की बात नहीं करता है। जब सभी लोगों की जबान पर ये बात होती है, सभी लोगों की जो है जीवा पे बात होती है कि वैक्सीन वॉर चल रहा है, इतना अच्छा है चल रहा है, हमारे देश की कहानी को दिखाया, सच्ची कहानी को दिखाया गया, तब लोग जो है इस पे रिव्यू करेंगे। अभी नहीं कर रहे, देख लेंगे आप, जितने भी इलीट क्रिटिक्स जानते हो जो कि जवान में चिल्ला चिल्ला के 5 वीडियो 10 वीडियो बना रहे हैं, इतना कलेक्शन हो गया, इतना फेक फेक कलेक्शन को दिखा रहे हैं, वो द वैक्सीन वॉर पे कितने वीडियो बनाएंगे आप देखेंगे तो जरा। रिव्यू एक से एक आ गया बहुत, वो भी जनता के जो है दबाव पे, उनके ऑडियंस के जो है दबाव पे आ गया, तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी उनकी ऑडियंस इतनी जो है घटिया है कि उनको इतना भी उनके दिमाग नहीं है कि ऐसे फेक क्रिटिक्स से हमें जो है खतरा है कि जो पेड़ मीडिया पपेट की तरह जो है बिक जाते हैं 2-4 रुपए में। तो इस प्रकार जो है आजकल जो है ईमानदारी बहुत कम लोगों में ही बची हुई है। आप देख ही सकते हैं जो वैक्सीन वॉर का खुल के जो है समर्थन कर रहे हैं वही जो है कुछ लोग बचे हुए हैं, इन्हीं को आप जो है इलीट वही को जो है आप जो है ईमानदार जो है रिव्यू करना मान सकते हैं, बाकी जो है बिक चुके हैं जवान के आगे पीछे वो लोग दुम हिला रहे हैं। तो आइए बात करते हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री के द वैक्सीन वॉर की। तो उनके जो है द कश्मीर फाइल का इतने बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है, जो भी उनके खड़े भी उतर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस बार जो है प्योर उनकी प्रोडक्शन में बनी फिल्म है, किसी का वो सपोर्ट नहीं ले रहे, अपने बैनर के तरह फिल्म बना रहे, अपना ही बजट लगा रहे, अपना ही जो है स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी वो बना रहे, नाना पाटेकर जैसे वरिष्ठ एक्टर, पल्लवी जोशी जो उनकी उनकी पत्नी है, उन जैसे जो है नेशनल अवार्ड एक्टर जो है साथ में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वैक्सीन वॉर में किस प्रकार से जो है भारतीय जो है वैक्सीन को न बनाने के लिए जनता जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बीजेपी की सरकार के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह से गिरी एकदम डायरेक्टली बताया गया है, बिल्कुल आपको पॉलिटिक्स समझ में आ जाए अगर आप जानते हैं तो किस प्रकार से सरकार को गिराने के जो है प्रयत्न किए जा रहे थे मीडिया के द्वारा, किस प्रकार से फर्जी जो है बहुत बड़े बड़े संख्या को दिखाया जा रहा था कि किस प्रकार से लोग मर रहे हैं, केजरीवाल की गवर्नमेंट ने किस प्रकार से मजदूरों को रातों रात निकाल दिया था, बेघर कर दिया था, इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के पॉलिटिक्स को जो है आप देखने को मिल रहा है, और ऐसे दिखाने का दम जो है बहुत कम ही लोगों में होता है। तो द वैक्सीन वॉर प्योरली जो है अपने देश पर गर्व करने वाली फिल्म है। मिशन मंगल ऐसे फेक फेमिनिज्म को ये प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करती, अपने देश के सच्चे युवाओं को, हमारी महिलाओं के जो है महिला सशक्तिकरण को ये बिल्कुल सपोर्ट करती है, और फेक फेमिनिस्ट को ये जो बिल्कुल झूठा साबित करती है। इस प्रकार से आप अपने संस्कृति से अपने धर्म से जुड़े हुए भी जो है अपने देश की सेवा कर सकते हो, ये सिखाती है ये फिल्म, और सभी महिलाओं के लिए ट्रिब्यूट है, और आपको जो है ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए, अपने घर वालों को भी दिखानी चाहिए। तो इसको अपने पूरे परिवार के साथ देखिए, अवश्य देखिए, टिकट बांटिए, कुछ ना कुछ सपोर्ट अवश्य कीजिए, बाकी जो है हमारे साथ जुड़े रहिए इतिहास के बारे में जानने के लिए, और हमें टॉपिक सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम, हर महादेव।